राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदौर में SGM की मौजूदगी में एक आयोजन हुआ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जानकारी देते हुए एक संदेश का वाचन भी किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इंदौर के मोती तबेला स्थित माता जीजीबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय पर विद्यार्थियों व अन्य लोगों के मध्य एक आयोजन रखा गया, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के संदेश का वाचन ADM वानखेड़े द्वारा किया गया। आयोजन मुख्य रूप से जनपद नेहा मीणा सहित कई लोग मौजूद रहे। आयोजन में उपस्थित अधिकारियों ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में सभी को जानकारी दी। भारत के एक जागरूक नागरिक के बतौर, एक जागरूक मतदाता के बतौर शपथ लेंगे। सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते, अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे। शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी ने मतदाता दिवस 25 जनवरी 2020 की पूर्व संध्या पर भारत के निर्वाचन आयुक्त का यह संदेश है जिसका मैं वाचन कर रहा हूं। मुझे 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की पूर्व संध्या पर अपने देश के नागरिकों को बधाई देते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। चूंकि भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए आयोग ने वर्ष 2011 के मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण हितधारक होता है, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन 2019 में मतदाताओं ने 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अपने संसद सदस्यों का चुनाव कराने और इसी के साथ आयोजित आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में 61,30,00,000 की रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। लोकसभा चुनावों के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड राज्य विधानसभाओं के चुनावों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। अपने प्रमुख कार्यक्रम सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचन भागीदारी स्वीप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के संगठित प्रयासों से हमारी उम्मीद बढ़ी है। स्वीप प्रयासों के स्वरूप 17वीं लोकसभा में निर्वाचनों के दौरान 29,24,00,000 महिला मतदाताओं ने, 61,46,00,000 दिव्यांग मतदाताओं ने और 18,00,000 सेवा मतदाताओं ने मतदान में पूरे जोश खरोश के साथ भाग लिया, जिससे ये सही मायनों में देश का महात्यौहार बन गया। 120,00,000 से अधिक कर्मचारियों, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है, ने इतनी बड़ी व्यवस्था को संभालने में हमारी मदद की है। स्वीप कार्यक्रम में 2019 के लोकसभा निर्वाचन के दौरान देश भर के 10,036 मतदान केंद्रों पर 91,00,000 पंजीकृत मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के साथ जोड़ने में भी मदद की है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक विशिष्ट समारोह है, क्योंकि ये भारत निर्वाचन आयोग के यशस्वी 70 वर्ष और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के 10 वर्ष पूरे होने का सूचक है। यह समारोह हम में से प्रत्येक भारतीय नागरिक को दिए गए वयस्क मताधिकार के संवैधानिक अधिकार की याद दिलाता है, चाहे उसका धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र या सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी क्यों न हो। इस दिन हम एक ओर लोकतंत्र के प्रति अपने भरोसे को जाहिर करते हैं, वहीं दूसरी ओर देश की समृद्ध लोकतांत्रिक परंपरा तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की शुचिता बनाए रखने के अपने संकल्प को और मजबूत करते हैं।